सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। आज हम फैक्ट सीरीज में बात करेंगे ज़ीब्रास की। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़ीब्रास थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्लेन ज़ेब्रास, सेकेंड माउंटेन ज़ेब्रास एंड थर्ड ग्रीवी ज़ेब्रास। प्लेन ज़ेब्रास की स्पीसीज सब सहारन अफ्रीका से लेकर सदर्न इथोपिया, केन्या, तंजानिया से लेकर बोस्तवाना और साउथ अफ्रीका तक है। माउंटेन ज़ेब्रास की ज़्यादातर स्पीसीज एंगोला, नेमीबिया और साउथ अफ्रीका में है। ग्रीवीज ज़ेब्रा जो होते हैं वो भी साउथ अफ्रीका में ही ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है वो काफ़ी कम होने जा रही है, वो एक्सटिंक्ट होने वाले हो रहे हैं। ज़ेब्रास डोमेस्टिकेट करने वाले एनिमल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि जो हम पेट बना लेते हैं डॉग को, शीप को, गोट को, इन चीज़ों को, तो ये वैसे कभी नहीं थे और ना ही कभी शायद हो सकते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर ही वैसा नहीं है। ज़ेब्रास के ग्रुप को डेजल बोलते हैं। इनका ये डेजल नाम इनके एक फिनोमेना से रखा गया है साइंटिस्ट द्वारा, जिसको मोशन डेजल भी बोला जाता है। मोशन डेजल को एक इल्यूजन कहा गया है, क्योंकि ये एक ऐसा इल्यूजन है। पहली बात तो ब्लैक और वाइट कलर के जो हमारे ज़ेब्रा होते हैं वो होते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट में जो एक इल्यूजन दिखाई देता है, मतलब जब वो सारा ग्रुप ज़ेब्रास का चलता है तो एक इल्यूजन दिखाई देता है जिसको मोशन डेजल। आज तक हम ये नहीं समझ पाए थे कि जो ज़ेब्रा है उसका कलर कैसा है। उसकी मतलब बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स हैं कि वाइट स्ट्रिप्स हैं, यानी कि उसकी वाइट कलर की बॉडी है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं कि उसकी ब्लैक कलर की बॉडी है और वाइट कलर की स्ट्रिप्स हैं। लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है, ये प्रूफ मिला है कि जो ज़ेब्रास होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, जिनके ऊपर वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स होती हैं। ज़ेब्रा के जो टीथ्स होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, जिससे वो अपनी घास वगैरह और जो बार्क होता है, लकड़ी होती है, लीव्स होते हैं और जो ग्रास होते हैं उनको वो अच्छी तरह से खा सकें। इनकी फैमिली भी मेल डोमिनेटेड होती है। मदर ज़ेब्रा को मेयर्स बोलते हैं और बेबी ज़ेब्रा को फॉल्स बोलते हैं। आप जितने सीधे साधे और बिल्कुल इनोसेंट लगते हैं वो उतने होते नहीं हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी अपनी किक्स का, अपनी जो फाइटिंग स्किल्स हैं ये उनका काफ़ी हद तक अच्छा यूज़ करते हैं, और अपने प्रेडेटर्स को आप खुद को बचाने के लिए, जैसे लेपर्ड हो गया, लायन हो गया या फिर वल्चर्स वगैरह हो गए जो इनको खा सकते हैं, क्रोकोडाइल्स हो गए, तो जो वो होते हैं उनको अपने आप से बचाने के लिए ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी जो इनकी फाइटिंग स्किल्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। ये सोशल एनिमल्स होते हैं, इनको एक साथ रहने में, अपने ग्रुप में रहने में और अपने फ्रेंड्स के साथ रहने में काफ़ी अच्छा लगता है, और ये नॉर्मली साथ रहना ही पसंद करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी लॉट्स ऑफ कमेंट्स, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन इन ऑल कमेंट सेक्शन। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।